और जिस तरीके से फिनिशिंग और क्वालिटी आप देख पा रहे होंगे, 1 kg पैकिंग आपको यहाँ पे दिख रही होंगी जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी और सेट्रोनीला बेस हम, और कुछ इस तरीके से ये प्रोसेस जो है किया जा रहा है। काफ़ी सारे बॉटल्स आपको दिख रहे होंगे जो कि अभी ओपनली बेस में है, मतलब इसका यूज़ किया गया है अभी इस माल को रेडी करने के लिए, कि वो बुझ जाती है या फिर बर्निंग का इश्यू हो जाता है, जो कि हमारी ये जो अगरबत्ती आप देख पा रहे होंगे इसमें किसी भी तरीके का कोई भी इशू नहीं होगा। जो भी हमारा इंग्रेडिएंट्स होता है वो काम, और किसी भी तरीके का जो मस्कीटो के ऑयल्स है या फिर केमिकल का जो प्रोसेस है वो लॉन्ग टाइम चलता है। अप्रोक्स इसका मैं आपको काउंटिंग की बात करूं तो 650+ में इसकी काउंटिंग रहेगी। काफ़ी अच्छा है और 100% डीपिंग का प्रोसेस है किसी भी तरीके। सो फिर जो है आज का हमारा स्पेशल ये वीडियो मस्कीटो अगरबत्ती के ऊपर होगा। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे रैक्स में अभी मस्कीटो की रॉ अगरबत्ती रखी हुई है, और ये 12 इंचेस साइज़ में है, और जिस तरीके से फिनिशिंग और क्वालिटी आप देख पा रहे होंगे, और काफ़ी सारे कस्टमर्स का ये बार बार कमेंट्स भी आ रहे थे और ये रिक्वायरमेंट भी कर रहे थे कि हमें मस्कीटो अगरबत्ती चाहिए रेडी में। और रेडी मस्कीटो अगरबत्ती की कंप्लीट जो प्रोसेस किया हुआ जो मस्कीटो अगरबत्ती है उसके बारे में आपको मैं बताने की कोशिश है। जैसे कि यहाँ पे अभी पैकिंग का काम चल रहा है और ये कुछ पार्टीज़ की जो ऑर्डर्स है वो यहाँ पे पैकिंग किया जा रहा है। आगे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो काफ़ी सारे यहाँ पर कार्टून्स आपको मिल जाएंगे जो कि कंप्लीट पैकिंग किया हुआ है। इसके प्रोसेस में कंप्लीट वीडियो होगा, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे तो यहां से जो है मैं कुछ बताने की कोशिश करूंगा। ये 1 kg पैकिंग आपको यहां पे दिख रही होंगी जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी और सेट्रोनीला बेस हम लोग अभी पार्टी के लिए कंप्लीट ये माल तैयार किया गया है, रेडी किया गया है और उसी के ये जो है पैकिंग चल रही है, और कुछ इस तरीके से ये प्रोसेस जो है किया जा रहा है। आगे एक प्रोसेस और मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि इसको रेडी करने का 100% जो बेस मटेरियल्स हैं या फिर इंग्रेडिएंट्स हैं कुछ इस तरीके से हम लोग जो है सेट्रोनीला बेस में इसे रेडी करते हैं, और किसी वीडियो में मैं आपको जो है इसका डीपिंग का प्रोसेस भी आगे कवर कर दूँगा। काफ़ी सारे बॉटल्स आपको दिख रहे होंगे जो कि अभी ओपनली बेस में है, मतलब इसका यूज़ किया गया है अभी इस माल को रेडी करने के लिए, और इसमें जो जेनुइन ऑयल है वो एक सेट्रोनीला बेस होता है जो कि मस्कीटो के लिए, मस्कीटो अगरबत्ती के लिए 100% वर्किंग है। और काफ़ी सारे ये बॉटल्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्रोसेस है, और काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिसको सेट्रोनीला बेस नहीं चाहिए होता है, तो उसके लिए और जो फैंसी नोट्स हैं जिसमें काफ़ी अच्छा बूस्टिंग्स होगा उस टाइप के भी फ्रैगनेंस आपके हिसाब से कस्टमाइज़ करके जो है बना देंगे, उसका कोई इशू नहीं होगा। जो भी फ्रैगनेंस है ये लाइक ये मजेस्टिक्स हैं जो कि मस्कीटो के अगरबत्ती के लिए काफ़ी अच्छा एक स्वीट नोट है, और जो डाइल्यूशन भी इसका अच्छा जाता है क्योंकि मस्कीटो में ये देखा जाता है कि डाइल्यूशन रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। और आगे मैं देखूँ तो एक इम्प्रीमियम फ्रैगनेंस आपको देखने को मिलेगा, और इसी के साथ जो है ये है हमारे पास पाइनएप्पल की भी बहुत ज़्यादा जो है मस्कीटो अगरबत्ती में डिमांड होती है क्योंकि पाइनएप्पल आप जानते होंगे कि काफ़ी अच्छा बूस्टिंग इसमें होता है। सो इसके वजह से आप मस्कीटो अगरबत्ती में जिस भी टाइप का फ्रैगनेंस में आपको चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर कुछ सैम्पल्स आप देख पा रहे होंगे जो कि अभी के टाइम पर हमने कुछ जला के रखी हुई हैं। सो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इसकी बर्निंग को लेकर, कि काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर कहीं से भी अगरबत्ती लेके आए थे बट वो बर्निंग इशू हो गया। बर्निंग इशू का सीधा फंडा यही है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे या तो उसमें कुछ कमी होगी या फिर जो रॉ मटेरियल्स हैं उसमें कुछ खराबी होगी,
जिसके वजह से जो और अगरबत्तियां हैं मॉस्किटो की वो बुझ जाती हैं या फिर बर्निंग का इश्यू हो जाता है। जो कि हमारी ये जो अगरबत्ती आप देख पा रहे होंगे इसमें किसी भी तरीके का कोई भी इशू नहीं होगा। जो भी हमारा इंग्रेडिएंट्स होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और बेस T1 का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्वालिटी लॉन्ग टाइम भी रहती है और किसी भी तरीके का जो मॉस्किटो के ऑयल्स हैं या फिर केमिकल का जो प्रोसेस है वो लॉन्ग टाइम चलता है। और जो 100% मॉस्किटो का किलिंग प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, इसमें जो है ये गारंटी रहेगी कि आपकी मॉस्किटो बिल्कुल जब तक स्टिक बर्निंग करेगी तब तक और उसके बाद भी इफेक्टनेस रहेगा, इफेक्ट उसका रहेगा ही जहां भी आप यूज़ करें। और सो फिर आगे हम बात करते हैं काउंटिंग को लेकर। काउंटिंग एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, क्योंकि क्या है अभी के टाइम पे जो बॉक्सेस होते हैं अगरबत्ती के रेडीमेड, जो रेडीमेड पाउचेस होते हैं या फिर बॉक्सेस होते हैं, उसमें इसको कुछ इस तरीके से फिल किया जाता है। अप्रोक्स इसका मैं आपको काउंटिंग की बात करूं तो 650 प्लस में इसकी काउंटिंग रहेगी, जो कि आपका ऑन एवरेज 5 से 6 बॉक्स रेडी जो है हो जाएंगे। इसके हिसाब से देखा जाए तो एक बेसिक रेट के हिसाब से इसमें क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और 100% डीपिंग का प्रोसेस है। किसी भी तरीके से ऑयल को ऊपर से छिड़कने का या फिर और जो प्रोसेस है, जो थर्ड क्वालिटी प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें हम लोग नहीं करते। स्टैंडर्ड जो है आपको डीपिंग किया हुआ ये जो है अगरबत्तियाँ देखने को मिलेंगी। काउंटिंग एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 1 kg पैकिंग में आपको 650 प्लस की काउंटिंग देखने को मिलेंगी, वो भी डीपिंग के साथ में। और जो एवरेज हमारे कार्टून का स्टैंडर्ड पैकिंग होता है 20 kg के आसपास, और 20 kg पैकिंग में ये जो है आपको ये बॉक्स जो है देखने को मिलेगा। अभी इसमें थोड़ा सा पैकिंग का प्रोसेस बाकी है, इसके ऊपर जो है सीलिंग, जो स्ट्रेचेबल सील है वो किया जाएगा, देन इसके ऊपर एक बैग भी डाला जाता है। जैसे कि अभी पिछले कुछ वीडियोस में मैंने पैकिंग से रिलेटेड वीडियोस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया ही था, और कुछ इस तरीके से ये प्रोसेस जो है किया जा रहा है। ये अगर मॉस्किटो अगरबत्ती से रिलेटेड कोई भी आपको इंक्वायरीज हैं तो फिर आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। बता देता हूँ मिनिमम क्वान्टिटी ऑर्डर जो है 40 kg के आसपास रहेगा, 40 kg के आसपास आप जो है मॉस्किटो अगरबत्ती मंगा सकते हो। ऑल ओवर इंडिया इसकी सर्विसेज रहेंगी, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपको जहां भी चाहिए होगा, जिस जगह पे चाहिए होगा वहां तक आपको मिल जाएगा, उसका कोई इशू नहीं होगा। और जो भी मॉस्किटो अगरबत्ती से रिलेटेड चीज़ें होगी वो जेन्युइन होगी और 100% इफेक्टिव आपको मॉस्किटो अगरबत्ती देखने को मिलेगी।